हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल जियो स्टार्स। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। योग शारीरिक व्यायाम, शारीरिक मुद्रा, ध्यान, सांस लेने की तकनीकों और व्यायाम को जोड़ता है। इस शब्द का अर्थ ही योग या भौतिक का स्वयं के भीतर आध्यात्मिक के साथ मिलन है। दुनिया भर में 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दुनिया को योग सिखाने का श्रेय भी भारत को ही जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल 21 जून के दिन ही क्यों योग डे मनाया जाता है? क्यों किसी और दिन या और महीने में इस दिन को नहीं मनाया जाता है? जी हाँ, जानकारी के मुताबिक योग दिवस मनाने के लिए 21 जून का ही दिन निर्धारित करने के पीछे एक खास वजह है। दरअसल 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। ये दिन साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है। ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है, जिसे योग और आध्यात्म के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यही कारण है कि 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया गया। योग दिवस की शुरुआत पहली बार 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। उसी वर्ष 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस प्रस्ताव को 177 देशों का समर्थन मिला, जिसके बाद पहली बार दुनिया भर में योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इस दिन विश्व के लाखों लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया था। आज जब पूरी दुनिया योग की अहमियत को समझ रही है, तो इसका श्रेय भारत के योग गुरुओं को जाता है, जिनके प्रयास से दुनिया भर में योग पहुंचा है। भारत से योग का संबंध सालों पुराना है। भारतीय संस्कृति और वेदों में योग एक प्रमुख अंग है। बता दें कि हर साल विश्व योग दिवस की एक खास थीम होती है। इस साल योग दिवस की थीम महिलाओं पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम महिला सशक्तिकरण के लिए योग है। योग से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। योग करने से शरीर में लचीलापन आता है, मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और रक्त संचार में सुधार होता है। ये शरीर को तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाता है। यदि मानसिक लाभ की बात करें, तो योग का अभ्यास करने से तनाव और चिंता कम होती है। ध्यान एकाग्र करने में मदद करता है। योग आत्मा को शुद्ध करता है और आंतरिक शांति प्रदान करता है। ये व्यक्ति को अपने आप से जोड़ने और आत्म अन्वेषण करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार इसके आध्यात्मिक लाभ भी बहुत होते हैं। योग कई प्रकार का होता है। आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा। आसन शरीर को उचित, स्थिर और संतुलित अवस्था में रखने का व्यायाम है। इनमें विभिन्न शारीरिक मुद्राएं और स्थितियां शामिल होती हैं, जो स्वास्थ्य और तनाव मुक्ति में सहायता करती हैं। वहीं प्राणायाम श्वास क्रिया पर ध्यान केंद्रित करने और इसका नियंत्रित करने का एक अभ्यास है। ये मस्तिष्क को शांत करके तनाव कम करने और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है। ध्यान, ध्यान मन को केंद्रित करने और उसे शांत करने का एक अभ्यास है। ये मानसिक सकारात्मकता और संतुलन बढ़ाने, तनाव और चिंता कम करने में सहायक है। मुद्रा, मुद्रा हाथों, उंगलियों और शरीर के अन्य भागों के विशिष्ट संयोजन है, जो ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ये सकारात्मक भावनाओं और ध्यान में सहायक होते हैं। योग के प्रचार प्रसार में सरकारी, मीडिया, योग गुरुओं और संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत सरकार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से योग को दुनिया भर में प्रचारित और प्रसारित करने का प्रयास किया जाता है। टेलीविजन, समाचार पत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से योग के लाभों और प्रैक्टिस को दर्शकों और पाठकों तक पहुंचाया जाता है। योग गुरु और प्रशिक्षक अपने व्यक्तिगत प्रयासों से योग को दुनिया भर में प्रचारित और प्रसारित करते हैं। कई शिक्षण संस्थानों और कॉरपोरेट घरानों ने अपने कार्यक्रमों में योग को शामिल किया है।
अब योग के लिए उपयुक्त समय और स्थान क्या है? योग का अभ्यास करने के लिए सुबह या शाम का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। सुबह का समय शांत होता है, शाम का समय भी शांत होता है और दिन के तनाव को उतार लेने के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। योग के लिए शांत, प्राकृतिक और हरे भरे माहौल वाले स्थान सबसे उपयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए पार्क, बगीचे, पहाड़ी क्षेत्र या समुद्री किनारों का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण और आनंददायक होता है। योग का अभ्यास केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ही नहीं किया जाना चाहिए, वरन उसे दैनिक अभ्यास में शामिल करना चाहिए। योग को कम से कम एक दिन में 30 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। ये शरीर को स्वस्थ और तनाव मुक्त रखने में मदद करता है। नियमित योग अभ्यास के साथ आप अपने शरीर और मन को संतुलित रखते हैं। ये एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने में मदद करता है। हर व्यक्ति के योग करने की क्षमता और आवश्यकता अलग अलग होती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य और लक्ष्यों के अनुसार योगाभ्यास करना चाहिए। योग से संबंधित बहुत से प्रमुख शास्त्र और ग्रंथ हैं। योग सूत्र योग दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ पतंजलि द्वारा रचित है। इसमें योग की अष्टांग पद्धति का वर्णन है। भगवद गीता ये धार्मिक ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को योग का दर्शन प्रदान किया गया है। हठ योग प्रदीपिका योग स्वाताराम द्वारा रचित है। इस ग्रंथ में हठ योग की विभिन्न आसनों, प्राणायामों और मुद्राओं का वर्णन है। गोरख शतक गोरखनाथ द्वारा रचित इस ग्रंथ में योग के गहन पक्षों पर विस्तृत जानकारी दी गई है। संपूर्ण भारत और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। विभिन्न संगठन और स्कूल समुदाय के साथ मिलकर योग का सामूहिक प्रदर्शन करते हैं। ये एकजुटता और योग के महत्व को प्रदर्शित करता है। सरकार और स्वयंसेवी संगठन मुफ्त योग कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं ताकि लोग योग सीख सकें और इसके लाभों का आनंद उठा सकें। कई धार्मिक संस्थानों में विशेष योग पूजा और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। ये योग के आध्यात्मिक पक्ष को प्रदर्शित करता है। योग धर्म नहीं, विज्ञान है। इसमें शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विधान है। इन्हीं शब्दों के साथ आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको योग के विषय में कुछ संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त हो सका होगा। अंत में मैं कहूँगी, सुबह हो या शाम, रोज कीजिए योग, निकट ना आएगा आपके कोई रोग। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें।